और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक झा न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अभी हमने देखा कि राजघाट पहुंचे पीएम मोदी और उसके बाद अटल समाधि स्थल का भी उन्होंने रुख किया हुआ है, लेकिन आज अगर आपसे पूछा जाए कि आज पूरे दिन का कार्यक्रम उनका किस तरह से रहने वाला है, शाम 7 बजे तो सभी को पता है कि शपथ लेंगे, लेकिन उससे पहले उनके किस तरह के कार्यक्रम रहने वाले हैं? कार्यक्रमों की बात की जाए तो ये 2014 के बाद ये दूसरा मौका है, और इतिहास की अगर बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद नरेंद्र मोदी एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने दम पे अपनी पार्टी को दोबारा से जो है बहुमत के साथ लेकर के आए हैं। दूसरा कार्यकाल है उनका। पिछले कार्यकाल में आपको याद होगा कि उन्होंने सार्क के सभी देशों को बुलाया था और उन्होंने उस वक्त एक बात कही थी कि हम अपने पड़ोसी को नहीं बदल सकते हैं, और इसी बाबत उन्होंने एक कदम बढ़ाया था और सार्क के सारे देशों को बुलाया था। लेकिन इस बार थोड़ी सी उनकी रणनीति में बदलाव है और जो बिम्स्टेक जो एक मंच तैयार किया गया है जिसमें पाकिस्तान का जिक्र नहीं है और जिसको लेकर के बवाल भी मचा हुआ है पाकिस्तान के अंदर में, तो निश्चित रूप से विदेशी मेहमानों की अगर फहरिस्त की बात की जाए तो बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका जैसे तमाम जितने भी देश हैं, बिम्स्टेक के जितने भी सदस्य हैं उन सबको बुलाया गया है। उसके अलावा तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को न्योता दिया गया है। इसके अलावा जितने भी विपक्ष के सांसद हैं उनको बुलाया गया है, तो 6,000 से ज़्यादा की संख्या बताई जा रही है। उसके अलावा दिन भर कार्यक्रम की बात की जाए तो आज जो सुबह के कार्यक्रम की शुरुआत हुई है राजघाट पर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उन्होंने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। उसके बाद वहाँ से जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री जिनके अभी लास्ट पिछले साल अगस्त में मौत हुई थी, जो उनके समाधि स्थल पर भी जाने का कार्यक्रम है। उसके बाद वहाँ से वो वॉर मेमोरियल जाएंगे और वॉर मेमोरियल पर भी जो सैनिक हैं उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद दिन भर जो विदेशी मेहमान आएंगे और जो शाम को 7 बजे शपथ ग्रहण होना है उसको लेकर के तमाम बैठकें और मंत्रिमंडल के अलावा जो कैबिनेट का जो विस्तार होना है या कैबिनेट में किनको शामिल किया जाना है उन पर जो है वो चर्चा करेंगे और शाम को 7 बजे शपथ ग्रहण होगा। जी बिल्कुल, लेकिन इस बार अगर देखा जाए शपथ ग्रहण में पिछली बार सार्क यानी कि 2014 में जो सार्क सदस्य हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे, लेकिन इस बार बिम्स्टेक के जो सदस्य हैं उनको बकायदा न्योता दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए। क्या ये मानकर चला जाए कि ये कूटनीति के हिसाब से एक अलग एजेंडा है, एक अलग कदम है? देखिए, कूटनीति के हिसाब से भी है और जो शुरुआत से मोदी सरकार कहती रही है कि आतंक मतलब धमाकों के बीच में बातचीत नहीं हो सकती है। और बीते 5 कार्यकाल में अगर बात की जाए तो उरी, पठानकोट समेत जो पुलवामा का हमला हुआ, इन 3 मामलों को लेकर के उन्होंने संदेश साफ बिल्कुल कर दिया है। पिछली बार जब चुनाव जब शपथ ग्रहण हुआ था तो उस समय उन्होंने पाकिस्तान को भी न्योता दिया था। उस समय नवाज शरीफ विशेष विमान से दिल्ली आए थे शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए, लेकिन इस बार उन्हें न्योता नहीं दिया गया है। एक नया मंच तैयार किया गया है बिम्स्टेक का जिसके अंदर में पाकिस्तान शामिल नहीं है, और यही एक साफ संदेश है। इसके अलावा जो अगर मेहमानों की फहरिस्त में बात की जाए तो पुलवामा के जो हमले के शहीद हैं उनके परिजनों को भी बुलाया गया है। इसके अलावा जो पश्चिम बंगाल में जो राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है भारतीय जनता पार्टी के, उन कार्यकर्ताओं को भी बुलाया गया। तो कहीं ना कहीं संदेश बिल्कुल साफ है कि आतंक और हिंसा से पीड़ित लोग तो साथ में रहेंगे लेकिन उनको अंजाम देने वाले या जिनके ऊपर आरोप है उनके साथ वो एक दूरी बना करके इस कार्यकाल में चलने वाले हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से पहले न्योता दिया गया था ममता बनर्जी को और उन्होंने न्योता स्वीकार भी कर लिया गया था, लेकिन उसके बाद यह खबर सामने आई कि जो पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जिनके कहा भी जा रहा है कि हत्या की गई है, उनके परिजनों को बाकायदा इस बार न्योता दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए, तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता, क्योंकि फिर उसके बाद सीधे ममता बनर्जी ने मना कर दिया कि वो नहीं आएंगे शपथ ग्रहण समारोह में, तो ये किस तरह की परिस्थिति है और क्या संदेश इसके जरिए समझ में आता है? देखिए, अगर परिस्थितियों की बात करें और ममता बनर्जी की अगर बात करें तो ममता बनर्जी के बयानों को याद दिलाना चाहूँगा प्रियंका कि ममता बनर्जी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी को वो अपना पीएम नहीं मानती हैं, लेकिन जिस तरीके से मेजॉरिटी आई है 300 से ज़्यादा सीटें लेकर आई है, यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल में भी तृणमूल कांग्रेस को 19 सीटों तक सीमित रहना पड़ा। पिछली बार जहाँ उसने 34 से ज़्यादा सीटें जीती थी इस बार 19 पर सिमटना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी 18 सीटों के साथ वहाँ पर दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है पश्चिम बंगाल में। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी सफलता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। उसके बाद उन्होंने एक नरम रूप दिखाते हुए उन्होंने कहा था कि वो शपथ ग्रहण में शामिल होंगी, लेकिन जैसे ही ये खबरें बाहर आई कि पश्चिम बंगाल में जो उन भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है उनके परिजन को भी बुलाया जा रहा है प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में, उसके बाद से उनके रुख में फिर से बदला हुआ है और इसे फिर से उन्होंने जो है शपथ ग्रहण में आने से मना किया है और साफ तौर पर उन्होंने इशारा किया है और फिर से आरोप लगाया है कि इस तरह की राजनीति में वो शामिल नहीं होंगी और इस शपथ ग्रहण में वो नहीं आ रही हैं। बिल्कुल, और अगर देखा जाए 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी तो वो नज़ारा भी सबके जहन में अगर देखा जाए तो अभी भी ताज़ा है, और एक तरह से अब 2019 में भी बिम्स्टेक का जिस तरह से उन्होंने मंच तैयार किया है और उसमें अलग अलग देशों के प्रमुखों को न्योता दिया है, अब क्या मानकर चला जाए कि यहाँ पर चाहे म्यांमार हो, चाहे फिर नेपाल हो, चाहे फिर भूटान हो, इनके साथ इनको न्योता देने के बाद अब पड़ोसी मुल्कों के साथ जाहिर के संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान को न्योता नहीं मिला है उसके चलते
अब संदेश तो साफ है कि बातचीत के रास्ते मुमकिन नहीं है, कि अगर होंगे तो बहुत मुश्किल से होंगे। तो ऐसे में अब क्या कुछ समझ में आने वाला है इन परिस्थितियों के बाद, इन न्योतों के बाद? देखिए, इन परिस्थितियों की अगर बात करें तो आपने भूटान का, म्यांमार का और बांग्लादेश, तमाम देशों का जिक्र किया है। भूटान में आपको याद होगा कि चीन के साथ में जो झगड़ा था चाइना के साथ, वो भूटान से जुड़ा हुआ हिस्सा था, उस समय भूटान ने भी साथ दिया। यहाँ तक कि बांग्लादेश और म्यांमार की अगर बात करें तो म्यांमार में भी 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक्स कर चुका है हिंदुस्तान वहाँ पर। तो आतंक को लेकर के एक संदेश बिल्कुल साफ है मोदी सरकार का कि आतंक के रास्ते पर किसी के साथ वो सहयोग नहीं करने जा रहे हैं। जिन्हें आना है वो उनके साथ पे, उनकी शर्तों पे आएंगे, और ये तमाम देश साथ में आए हैं। लेकिन पाकिस्तान से अगर बात की जाए तो चुनावों के ठीक पहले फरवरी में, याद होगा, पुलवामा का हमला हुआ, जिसके बाद से लगातार वो डिनाई करता रहा। अभी पिछले दिनों, 2 दिनों पहले भी वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने इसको डिनाई किया कि पुलवामा में उनका कोई हाथ है। तो कहीं ना कहीं एक संदेश उधर से भी साफ है कि वो आतंक पर कोई कार्रवाई करने नहीं जा रहा है, और दूसरी तरफ मोदी सरकार की तरफ से भी ये संदेश बिल्कुल साफ तौर पर दिया जा रहा है कि अगर आप आतंक को साथ देंगे, प्रश्रय देंगे, तो निश्चित रूप से हमारे आपके संबंध नहीं हो सकते, बातचीत नहीं हो सकती है। बिल्कुल, और इस बार कहा यह जा रहा है कि एक खास और देश है जिसको न्योता दिया गया है, किर्गिस्तान की अगर बात की जाए तो सुषमा स्वराज बकायदा वहाँ पर गई भी थी और उन्होंने मुलाकात भी की थी। तो ऐसे में उसको अलग से न्योता देने का मतलब क्या है? अब अगर किर्गिस्तान को न्योता दिया गया है, उनके प्रमुख को न्योता दिया गया है कि आइए प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होइए, तो उस देश को लेकर आखिर किस तरह की रणनीति है और क्या आगे भविष्य हो सकता है? देखिए, किर्गिस्तान की आपने बात की है, किर्गिस्तान जो मध्य एशिया का एक देश है, छोटा सा देश है, वहाँ से सुषमा स्वराज गई थी अपने विदेश दौरे के दौरान। तो वहाँ पे, वहाँ के बाद से ही लगातार जो उनके साथ जो आर्थिक और सामरिक और उसके अलावा जो सामाजिक जो ताना बाना बुना गया है या जो एक साझा रणनीति तैयार की गई है, उसके अंतर्गत मध्य एशिया में किसी तरह से अब अपनी पैठ बढ़ाना चाहता है भारत, और उसी के रणनीति के तहत किर्गिस्तान को भी बुलावा दिया गया है। लेकिन यहाँ पर अगर मंत्रिमंडल की बात की जाए अभिषेक, तो लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे वो सुषमा स्वराज हो, चाहे वो निर्मला सीतारमण हो, कि आखिर इस बार मोदी कैबिनेट में कौन हिस्सा बनने वाला है। अरुण जेटली जी का तो पत्र आ चुका है कि वो इस बार कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनना चाहते, स्वास्थ्य के कारण भी उन्होंने बाकायदा बताया। लेकिन इसके अलावा क्या कुछ अभी तक प्रारूप को लेकर संभावनाएं जताई जा रही हैं मोदी कैबिनेट को? देखिए, मंत्रिमंडल के प्रारूप की अगर बात करें तो निश्चित रूप से इस बार भी दबदबा कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का होने वाला है। 64 सीटें उत्तर प्रदेश इस बार 64 सांसद जो है उत्तर प्रदेश से जीत करके आए हैं, वो भी इस स्थिति में जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ था, लोग कयास लगा रहे थे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम होंगी, लेकिन बावजूद उसके 64 सीटें आई हैं। और इस बार समाजवादी पार्टी के गढ़ की अगर बात करें तो उसको ध्वस्त करते हुए फिरोजाबाद, कन्नौज और इटावा जैसी सीटें भी भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। तो कहीं ना कहीं एक संदेश उत्तर प्रदेश को देना है। उसके अलावा जितनी जो अति पिछड़ी जातियां हैं या अति अनुसूचित जातियां हैं, उन जातियों के सांसद भी बहुत अच्छे खासी संख्या में उत्तर प्रदेश से जीत करके आए हैं। तो एक संदेश निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश को देना है, और सबसे ज्यादा संख्या यहीं से रहने वाली है। और इसके बाद अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल या जो अगले साल अन्य राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, जैसे महाराष्ट्र है, झारखंड है, उसके अलावा जो दिल्ली है, जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, विशेषकर वहाँ के लोगों को भी निश्चित रूप से सामाजिक जो उनकी रणनीति है, समाज के अलग अलग तबकों को जोड़ने की रणनीति है, वहाँ के प्रतिनिधियों को निश्चित रूप से कैबिनेट में जगह दी जाएगी। पिछले मंत्रिमंडल की तुलना में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश से जो एक सबसे बड़ा नाम है और सबसे जो लोकप्रिय चेहरा मिसिंग होगा, वो गाजीपुर से जो सांसद थे मनोज सिन्हा, जिनकी इस बार बसपा के प्रत्याशी अफजल अंसारी के हाथों हार हुई है, और सभी लोग शॉक थे इस चीज़ को लेकर के, आखिर मनोज सिन्हा ने इतना काम किया अपने क्षेत्र में, बावजूद उसके वो हार गए। तो कहीं ना कहीं अगर हारे हुए प्रत्याशियों जिस के बारे में अगर बात की जाए तो मनोज सिन्हा का नाम सबसे ऊपर आता है, कि वो निश्चित रूप से उनकी उम्मीद की जा सकती है कि उनको भी इस बार कैबिनेट में जगह मिल सकती है। बिल्कुल, लेकिन आज 7 बजे तो पीएम मोदी यहाँ पे शपथ लेने वाले हैं पीएम पद की, लेकिन उनके साथ साथ और कौन से चेहरे हो सकते हैं जो कि शपथ ले सकते हैं, क्या इस बाबत भी कोई खबर अभी तक सामने आई है? देखिए, इस बाबत अभी तक कोई प्रमुख चेहरे की खबर तो सामने नहीं आई है, लेकिन हाँ, कयास लगाए जा रहे हैं कि तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा मंत्रियों के साथ में वो शपथ ले सकते हैं। और ये 1 दर्जन मंत्री वही होंगे जो पुराने मंत्रिमंडल में भी थे, वो चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे सुषमा स्वराज हो, या अन्य, सुषमा स्वराज की माफी चाहता हूँ, राजनाथ सिंह हो या अन्य जो बड़े चेहरे थे, अरुण जेटली ने मना कर दिया है, नितिन गडकरी हैं, तो इन राधामोहन सिंह हैं, इन तमाम नामों की चर्चा है कि ये चेहरे जो है वो शाम को मोदी जी के साथ में मंत्रिमंडल के कैबिनेट के साथ में शपथ ले सकते। बिल्कुल, तो ऐसे में अब अभिषेक, अगर 2014 में जब इस तरह से हमने देखा था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस एजेंडे के साथ आए थे कि विकास एक मॉडल यहाँ पर तैयार किया गया था, और उसी के तहत ही 2014 में उन्होंने जीत भी हासिल की थी, लेकिन 2019 के अगर चुनाव की बात की जाए तो राष्ट्रवाद का मुद्दा रहा, तो आज जब शपथ लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो क्या लगता है कि इन 5 साल के कार्यकाल में वो किन चीज़ों पर खासतौर पर फोकस करने वाले हैं, क्योंकि 2014 का एजेंडा अलग था, 2019 का एजेंडा अलग है?
निश्चित रूप से 2019 का एजेंडा अलग है, लेकिन अगर 2014 के मुकाबले अगर बात की जाए तो उन पाँच सालों के दरमियान जो भी उन्होंने योजनाओं की घोषणा की, चाहे वो आवास को लेकर के हो, स्वच्छता को लेकर के हो, आयुष्मान भारत को लेकर के हो, उन तमाम योजनाओं को अमली जमा पहनाने का जो है वो असली वक्त अब आ गया है। इसके अलावा जो अभी पुराना बजट, जो इस साल का बजट उन्होंने पेश किया था, इस बजट में उन्होंने दो बड़ी घोषणाएं की थी, एक किसानों को लेकर के और दूसरा आयुष्मान भारत को लेकर के। इन दो योजनाओं पर भी फोकस रहेगा कि किस तरीके से उसको जमीनी स्तर पर पहुँचाया जाए, समाज के हर तबके तक पहुँचाया जाए। जिस तरीके से बार बार कहा जाता है कि गरीबों की सरकार है, तो वो अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक कैसे पहुँचेगा। और उसके अलावा जो 2022 तक हर घर, हर व्यक्ति को उनका घर देने का जो सपना है प्रधानमंत्री मोदी का, वो कैसे पूरा होगा। उसके अलावा 2022 तक उन्होंने बात कही है स्वच्छता मिशन को लेकर के, महात्मा गांधी के स्वच्छता मिशन को लेकर के, उस पर भी फोकस रहेगा। उसके अलावा आयुष्मान भारत, तो तमाम ऐसी योजनाएं हैं। उसके अलावा स्मार्ट सिटी परियोजनाएं हैं, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनको 2022 तक पूरा करके एक काम को दिखाना है कि हाँ, उन्होंने जो वादा किया था 2014 में, 2019 में आने के बाद भी उसको वो विधिवत उसी तरीके से पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल। और ऐसे में क्या मानकर चला जाए कि ये जो 5 साल हैं जिस पर भरोसा करके एक बार फिर से जनता ने उनको पीएम पद पर बिठाने का फैसला किया है, तो ऐसे में क्या वो मुद्दे जो पिछले साल जिससे उम्मीद थी, चाहे वो अयोध्या मसला हो, चाहे वो 370 का मसला हो, या दूसरे मसले रहे हों, इन 5 सालों में क्या अब उनको लेकर जो तेजी है वो देखने को मिलेगी? चलिए नतीजे बहुत जल्दी सामने आए, लेकिन तेजी क्या शुरुआती जो साल है उसमें नजर आ जाएंगे? देखिए, जिस तरीके से 300 से ज़्यादा सीटें लेकर के आई है, अब उम्मीद की जा सकती है कि इन मुद्दों पर भी कुछ सरकार आगे बढ़ेगी। लेकिन जो मुद्दे सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, जैसे आपने राम मंदिर का जिक्र किया है, तो निश्चित रूप से उस पर मोदी सरकार अपनी ओर से कोई पहल करने नहीं जा रही है जैसा कि उम्मीद जताई जा रही थी। लेकिन हाँ, जा रहा आपने 370 और 35A की बात की है, तो उस पर नतीजे आने के ठीक दूसरे दिन ही रविशंकर प्रसाद, जो कि पिछली सरकार में कानून मंत्री थे, पटना साहिब से सांसद बने हैं, इस बार शत्रुघ्न सिन्हा को हरा करके, तो उनका एक बयान आया था कि 35A की तरफ में की जाएगी, उस तरफ हम, उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं उम्मीद की जानी चाहिए, जो कॉमन सिविल कोड है, उसके अलावा 35A है, 370 हटाने की बात की जाती है, उस पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हाल फिलहाल में तो मुखर नहीं होगी, लेकिन 2019 तक जब वो राज्यसभा में भी बहुमत के करीब आएगी, महाराष्ट्र, राज्य झारखंड और पश्चिम बंगाल के अलावा दिल्ली में भी चुनाव है, अगर वहां से जीत करके आती है और राज्यसभा में अगर बहुमत के करीब आती है, तो निश्चित रूप से इन जो तमाम विवादित मुद्दे हैं जिनका हमेशा गठबंधन के सहयोगियों के साथ लगातार इस चीज़ को लेकर के विवाद होता रहा है, या एक मतभेद की स्थिति देखने में हमेशा आती रही है, तो उस पर भी इस 5 साल में निश्चित रूप से कुछ ना कुछ कार्रवाई देखने को मिल सकती है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, सारी जानकारी के लिए, सारी बातचीत के लिए।